मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाहर का मौसम देखो, बारिश हो रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखा आपने मौसम कितना प्यारा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब बारिशें स्टार्ट है, तो लगातार बारिशें होंगी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, मतलब डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। मैं तो खाना नहीं खाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं एडिटिंग में बिज़ी थी और कपड़े भी धो रही थी, दोनों काम एक साथ कर रही थी। मैंने बस चाय पी है तकरीबन 5:30 बजे, अपने वाली चाय, ब्लैक टी। और उसके बाद अब बहुत टाइम हो गया है, जैसे कि 8:30 हो चुके हैं और मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं रात का खाना या तो मैं शाम को 5:30 या 6 बजे खा रही हूँ, अगर नहीं तो अगर लेट हो रहा है उससे ज़्यादा, आधा घंटा भी लेट हो जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ खाना, फिर मैं खाना नहीं खा रही हूँ। तो अभी इधर स्ट्रीट लाइट की वजह से काफ़ी रोशनी है और इधर रोशनी कम है। वैसे ये बल्ब जब से लगा है ना, इसका काफ़ी फ़ायदा है, यहाँ पर रोशनी बहुत प्यारी आती है। वाइटनेस मतलब रिंग लाइट का पूरा काम करती है ये वाली लाइट। तो अभी मैं इन दोनों को खाना खिला के उसके बाद सो जाऊंगी। वैसे आज मैं कितने टाइम बाद लेट हुई हूँ, नहीं तो मैं तो सब्ज़ी दोपहर को बना के ही जाती हूँ शाम की, और सुबह की सब्ज़ी मैं दोपहर की सब्ज़ी मैं सुबह बना के जाती हूँ। मतलब सुबह वाली सब्ज़ी जो बनती है सुबह सुबह, जो मैं 5:30 बजे उठ के बनाती हूँ, वो दोपहर के लिए होती है। और जो मैं दोपहर को बनाती हूँ, बनाकर जाती हूँ जब दिव्यांका को लेने जाती हूँ, वो शाम के लिए होती है। तो मेरा सिस्टम ये है कि मैं आती हूँ, जैसे ही हम दिव्यांका की स्पोर्ट्स क्लास से फ्री होते हैं, घर आते हैं, उसके बाद सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, सीधा चपाती बनाई, खाई और सो गई। और जब स्पोर्ट्स क्लास जाते हैं तब भी मेरा खाना कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि मुझे 7 बजे खाना खाना मुश्किल लगता है। जैसे कि बारिशें हो रही हैं तो मैं फिर अपनी वॉक कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए तो मैं खाना छोड़ देती हूँ। हाँ, अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो उसके बाद मैं वॉक कर लेती हूँ। और यहाँ पर अंदर की तरफ वॉक नहीं होती है, जो बाहर की तरफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ओपन है सारा एरिया, है ना। और अंदर यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहता है वॉक करना। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको दोनों को खाना खिलाने के बाद सोने, उसके बाद मैं आपको सीधा सुबह मिलती हूँ और सुबह भी आपको मौसम दिखाऊंगी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी उठी हूँ, आज लेट उठी हूँ बहुत, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, रात को बहुत ज़्यादा कल थक गई थी मैं, कपड़े वपड़े भी धोए थे आपको पता ही है। और रात का मौसम देखा था आपने कितना सुंदर था, और अभी अचानक का मौसम दिखा देती हूँ। देखो मौसम यहाँ पे कितना चेंज होता है एकदम से। रात को बारिश बादल वगैरह थे और अब धूप निकली हुई है, तेज़ धूप। ये देखो मौसम, कोई बोल सकता है कि रात को इतना मौसम खराब था, आंधी तूफान चल रहा था, बादल हो रखे थे और बारिश हो रही थी, और अभी देखो मौसम बिल्कुल साफ है। एक तरह से अच्छा ही हुआ क्योंकि मैंने कपड़े धोए हैं तो कपड़े सूख जाएंगे। मैं कपड़े सूखने डाल देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैंने अपनी दवाई खानी है। मैंने अभी दवाई नहीं खाई, जस्ट उठी हूँ मैं, अभी मिलती हूँ आपको। से हेलो, हाथ हिलाओ आवाज़ तो निकलती नहीं, हाथ तो हिला दिया कर वॉल्यूम नहीं होता इससे ज़्यादा, इतना ही है बस। ये कपड़े रख दिए, इनको सूखने डालना है, और ये सूखने के लिए डाल दिए मैंने सारे कपड़े। और अब टाइम है हमारी चाय पीने का। उधर टीवी वगैरह चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ लॉबी में। और ये है मेरी चाय, और ये है मेरे रस जो कि भाई ने भेजे थे जब मम्मी वगैरह पंजाब से आए थे, तो आरती और श्वेता के पापा ने ये मेरे लिए भेजे थे रस।
बहुत अच्छे हैं, मुझे चाय के साथ रस खाना बहुत अच्छा लगता है। कंपैरिजन टू बिस्किट, बिस्किट मुझे सिर्फ डाइजेस्टिव अच्छे लगते हैं, और उसके अलावा चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। धूप का फायदा कि कपड़े तो कम से कम सूख जाएंगे आज। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। चलिए आलू का पराठा बनाते हैं, खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये कितना सारा नारियल तेल, ये मेरा नारियल का तेल खाने वाली है, खा ले। अरे निकाल, निकालने का ढंग नहीं पता तुझे। हाँ ऐसे मैं निकालती हूँ। इधर दोपहर के लिए कड़ी पक रही है। ये है आलू का मिक्सचर और ये है आटा। इसमें प्याज डाले हैं, ये हमारा वाला मसाला और ये विदाउट प्याज पतिदेव के लिए। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। ये पति देव की थाली है, उसी में खा रही हूँ। इन्होंने धनिया भी निकाल दिया, प्याज तो वैसे ही नहीं खाते ये। और ये है मेरा पराठा जो मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ अपने लिए। मेरा बहुत मन था आज पराठा खाने के, इसीलिए ऑलिव ऑयल में बनाया। और ये है मेरी गुड़ वाली चाय, और चाय भी आज मैंने दूध वाली बनाई है, पतली वाली नहीं बनाई। ये देखो गुड़ वाली चाय पीऊँगी। और ये है हमारा अदरक का और हरी मिर्च का अचार जो मुझे मम्मी ने दिया था पंजाब से, तो उसी में हरी मिर्च डाल के मैंने और ज़्यादा बना लिया। वैसे इसमें नींबू भी थे, नींबू ख़त्म हो गए। थोड़ा सा आम का अचार है इसमें जो अलग से पड़ा था, मैंने मिक्स कर दिया, पर आम का अचार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी मेरी बारी है ब्रेकफास्ट करने की, और मैं सच बताऊँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी ना एनर्जी लो हो गई है। तो अभी पूरी तैयारी में हूँ कि मैं खुद को ठीक करूँ। बस ये आज छुट्टी का दिन था इसलिए मैंने खाया पराठा। वैसे ऑलिव ऑयल में बनाया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाहर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं मिलिट्री वालों के। और ये मेरे अदरक का अचार साथ में पराठा। ख़त्म करके फिर मिलती हूँ। लो जी पराठा खा लिया, चाय पी लिए, अब वॉक कर लेती हूँ। वॉक करके आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मेरी वॉक हो चुकी है तकरीबन 20 मिनट। सुबह करती हूँ मैं आधा घंटा, और लंच टाइम में मैं करती हूँ 20 मिनट, और रात को मैं खाना स्किप कर देती हूँ अगर खाती हूँ तो 5:30 या 6 बजे। और चपाती वगैरह तो कुछ नहीं खाती हूँ, या तो फिर हल्का सा फ्रूट या सैलड खाती हूँ, या फिर सूप पी लेती हूँ। मतलब ऐसी चीज़ जो आपको आधे घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम जितना बढ़िया रहेगा उतनी जल्दी मैं इस बीमारियों से दूर हो जाऊँगी। तो अभी इस वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, क्योंकि 11-12 मिनट का हो चुका होगा ये वीडियो मेरे अंदाजे से। बाकी अब एडिट करूँगी तो पता चलेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।